सैमसंग के नए ए सीरीज़ और एम सीरीज़ के फ़ोन्स हमारे रिव्यू में काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर चुके हैं। सैमसंग गैलेक्सी A70, A50 और M30 ये तीनों ऐसे फ़ोन हैं जिनको हमने उनके प्राइस सेगमेंट में रेकमेंड किया है। सैमसंग ने अभी नया एक फ़ोन लॉन्च किया है जिसका नाम है गैलेक्सी M40। ये सब 20,000 रुपी प्राइस सेगमेंट में है। क्या इसे हम रेकमेंड करेंगे? और उसको जानने के लिए आपको तो रिव्यू देखना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हम ये बता दें कि M40 में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं और इसमें दो नई चीज़ें हैं। एक है कि इसके डिस्प्ले में एक होल पंच डिज़ाइन है जो अब तक हमने अफोर्डेबल फ़ोन्स में देखा नहीं है, और दूसरा ये है कि सैमसंग ने इसमें ईयरपीस निकाल कर एक स्क्रीन वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की है वॉइस कॉल्स के लिए। तो ये तो यूनिक फीचर्स ही हैं, साथ में गैलेक्सी M40 में काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी है। तो क्या आपको M40 लेना चाहिए? जैसा मैंने पहले कहा, आप रिव्यू देखिए और जानें। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा नया वीडियो पब्लिश होता है। सैमसंग गैलेक्सी M40 का डिज़ाइन तो उतना अलग नहीं है दूसरे M सीरीज फोन्स से। इसमें एक ग्लॉसी प्लास्टिक फ्रेम है और इसका रियर पैनल भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। रियर पैनल में फिंगरप्रिंट्स काफ़ी आसानी से लग जाते हैं। अगर आप इस फ़ोन को एक हाथ से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये फ़ोन हाथ से फिसलता नहीं है। ग्रिप करने में काफ़ी आसानी होती है इस फ़ोन को। रिव्यू करते समय हमने ये देखा कि इसके प्लास्टिक रियर पैनल पर थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए आसानी से, और इसमें हमने ऐसा भी नहीं किया कि फ़ोन को गिरा दिया या कुछ। एवरेज ऑर्डिनरी यूज़ से ही इसमें स्क्रैचेस आ गए, तो हमारा ये कहना है कि आप केस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इस फ़ोन के साथ। सैमसंग गैलेक्सी M40 में 6.3 इंच का डिस्प्ले है जिसमें गोरिल्ला ग्लास है स्क्रैच प्रोटेक्शन के लिए, और इसका रेजोल्यूशन Full HD+ है। आश्चर्य की बात यह है कि सैमसंग गैलेक्सी M40 में PLS-TFT LCD पैनल है। हमें लग रहा था कि इस फ़ोन में भी सैमसंग के सुपर एमोलेड पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा जो इससे थोड़े सस्ते फ़ोन्स में भी अवेलेबल है। वैसे तो इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि इसका डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है और कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं इस फ़ोन के। डिस्प्ले के आसपास बेजल्स हैं जो दिखते तो हैं लेकिन काफ़ी थिन हैं। हाँ, डिस्प्ले में एक माइनर इशू ज़रूर हमने देखा, वो अगर आप कोई भी वाइट या लाइट बैकग्राउंड वाली चीज़ फ़ोन के स्क्रीन पर चलाएंगे तो थोड़ी सी विनेटिंग होती है डिस्प्ले के बॉटम एज के आसपास और होल पंच एरिया के भी आसपास। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो आपने एक बार देख ली तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। सैमसंग के दूसरे फ़ोन्स भी हैं जिसमें एमोलेड स्क्रीन है, उसमें ये प्रॉब्लम हमने नहीं देखी, सिर्फ ये गैलेक्सी M40 में ही हमने नोटिस किया। गैलेक्सी M40 के बाईं तरफ हाइब्रिड ड्यूअल सिम ट्रे है जिसमें या तो आप दो नैनो सिम डाल सकते हैं या एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। ईयरपीस तो इस फ़ोन में नहीं है, लेकिन इसके अलावा इसमें 3.5 mm हेडफोन सॉकेट भी नहीं है। इस फ़ोन के बॉक्स में सैमसंग ने USB Type-C का हेडफोन ज़रूर दिया है, जो ज़रा आश्चर्यजनक है जब आप इस फ़ोन का प्राइस देखेंगे तो। गैलेक्सी M40 का फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी एक्यूरेट है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लेता है ये स्क्रीन को वेक करने के लिए। फेस रिकग्निशन भी आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, लेकिन ये भी थोड़ा धीमा चलता है। अगर आप गैलेक्सी M40 और थोड़े महंगे गैलेक्सी A70 के स्पेसिफिकेशंस की तुलना करें तो आपको लगेगा कि यार ये तो काफ़ी सारे सेम है इसमें स्पेक्स। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है और गैलेक्सी M40 का अभी भारत में सिर्फ एक ही वेरिएंट है जिसमें 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो गैलेक्सी M40 में One UI 1.1 है जो एंड्रॉयड 9 पाई पर बेस्ड है। One UI के फीचर्स में डिजिटल वेलबींग, थीम्स, कन्फिगर मोशन और जेस्टर शॉर्टकट्स और डॉल्बी एटमॉस एनेबल करने का भी ऑप्शन है। सैमसंग के वन यू आई में आपको काफ़ी सारे स्पैमी नोटिफिकेशंस मिलेंगे, लेकिन इसको रोकने का एक तरीका ये है कि सैमसंग गैलेक्सी M40 को सेटअप करते समय आप काफ़ी सारे मार्केटिंग नोटिफिकेशंस वगैरह के ऑप्शंस होते हैं उनको अनचेक कर दीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होते हैं। अगर आपने ये ध्यान से कर दिया तो आपको स्पैमी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। हमने गैलेक्सी M40 को रोज़ काफ़ी दिन तक इस्तेमाल किया और इसमें कोई हमें मेजर कंप्लेंट तो नहीं आई। ऐप्स काफ़ी जल्दी लॉन्च होते हैं, इसका इंटरफेस भी काफ़ी स्मूथ है और ये फ़ोन यूज़ करते वक्त ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। इसका बेंचमार्क परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था और ज़्यादातर स्कोर्स इसके गैलेक्सी A70 से भी अच्छे थे। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है क्योंकि गैलेक्सी A70 M40 से महंगा फ़ोन है। अगर गेमिंग की बात करें तो गैलेक्सी M40 ने थोड़ी हीटिंग इशू दी हमें। वैसे तो नॉर्मल गेम्स खेलते वक्त इतने कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप PUBG मोबाइल खेलते हैं, वो भी नॉनस्टॉप लंबे समय के लिए खेलेंगे, तो आप ये हीटिंग इशू नोटिस करेंगे। PUBG मोबाइल में 10 मिनट का मैच खेलने के बाद में फ़ोन का पिछला हिस्सा थोड़ा गर्म हो गया।
गैलेक्सी M40 के बॉक्स में आने वाला USB Type-C हेडसेट काफ़ी अच्छा है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर आप थोड़ा डिटेल चाहते हैं तो हम ये कहेंगे कि इसमें बैलेंस्ड सोनिक सिग्नेचर है और इसमें मिड्स, हाइज और बेस, इन तीनों चीज़ से हमें कोई शिकायत नहीं है। इस हेडसेट में एक इनलाइन रिमोट है जिससे आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं और डॉल्बी एटमॉस फीचर होने के कारण आप इसका वॉल्यूम बूस्ट कर सकते हैं और साउंड स्टेज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। गैलेक्सी M40 के डिस्प्ले के आसपास पतले बॉर्डर्स हैं और इसके कारण वीडियोस देखते वक्त में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं लगता है कि ये फ़ोन के बॉर्डर्स बहुत मोटे हैं और ध्यान कभी बॉर्डर्स के पास नहीं जाता है। ज़्यादातर ऐप्स सैमसंग गैलेक्सी M40 के होल पंच को आसानी से छुपा देते हैं। अगर आपको होल पंच से कोई तकलीफ नहीं है तो आप ऐप्स को फुल स्क्रीन मोड में भी चला सकते हैं। वॉइस कॉल्स के लिए सैमसंग की स्क्रीन साउंड टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से चलती है। पहली बार जब आपको सैमसंग गैलेक्सी M40 में इनकमिंग कॉल मिलेगा उस समय फ़ोन पर विजुअल ओवरले आ जाता है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आपको कहां पर कान रखना चाहिए सबसे अच्छे तरीके से सुनने के लिए। सैमसंग गैलेक्सी M40 में ईयरपीस ना होने के कारण हमें कुछ नए अनुभव हुए। अब पहली बात ये बता दूं मैं, आपको कोई सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, किसी से बात करते वक्त आपको कोई इशू नहीं होगा एज सच। बस ये है कि उनकी वॉइसेस थोड़ी हॉलो लगी, जबकि उनकी आवाज़ आती है थोड़ी सी हॉलो टाइप की फीलिंग आई हमको। और दूसरा ये बात है इसमें कि बात करते वक्त जब सामने वाला आदमी बात कर रहा है तो फ़ोन की स्क्रीन ज़रा सी वाइब्रेट करती है। ये माइल्ड वाइब्रेशन ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा समय लगता है इसके साथ यूज़ टू होने में। इस फ़ोन में तीन रियर कैमरा हैं, इसमें एक 32 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जिसमें f1.7 अपर्चर है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर है जिसमें f2.2 अपर्चर है और एक 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इस फ़ोन में ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन नहीं है और इसका ऑटो फोकस भी धीमा है। गैलेक्सी M40 4K वीडियो शूट कर सकता है 30fps पर और इसमें स्लो मोशन वीडियोज भी सपोर्टेड हैं 240fps पर, लेकिन ये सिर्फ 720p रेजोल्यूशन पर चलेंगे। इस फ़ोन का प्राइमरी कैमरा सेंसर 12 मेगापिक्सल की इमेज शूट करता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप मैनुअली इसको सेट कर सकते हैं 32 मेगापिक्सल तक फ़ोटो शूट करने के लिए। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन जो है इसका 12 मेगापिक्सल पर, उस पर हमने नोटिस किया कि फ़ोटो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेल्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, तो हमारा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन पर ही फ़ोटोज़ खींचें। जब लाइट अच्छी है तो मेन कैमरा डिटेल्स काफ़ी अच्छे कैप्चर करता है और कलर्स भी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। फ़ोन के डिस्प्ले पर फोटोज़ तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से परखेंगे तो आपको टेक्सचर्स और शार्पनेस में थोड़ी इश्यूज दिखाई देंगे। हमने नोटिस किया कि फ्रेम के एक तरफ थोड़ा ग्रेन है और हाइलाइट्स थोड़े ओवर एक्सपोज हो जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा से। मेन सेंसर में थोड़ा सा शटर लैग है जिसके कारण फोटोज़ में थोड़ा मोशन ब्लर आ जाता है अगर आप ऑब्जेक्ट्स ऐसे शूट कर रहे हैं जो एक जगह स्थिर नहीं है। अगर रोशनी थोड़ी कम है और फ़ोटो खींचते वक्त आपका हाथ थोड़ा भी हिल गया तो हमने देखा कि इस कैमरा के फ़ोटोज़ में थोड़ी ब्लरिंग होती है, पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के एजेस पे। इस फ़ोन के वाइड एंगल कैमरा को यूज़ करने में हमें तो बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फ़ोटोज़ ले पाए हम। अगर आप मेन सेंसर से तुलना करें तो इसके डिटेल्स थोड़े वीक हैं और ऑटो फोकस भी नहीं है इस सेंसर में। अच्छी रोशनी में मैक्रोस काफ़ी अच्छे आए, कलर्स काफ़ी अच्छे थे और बैकग्राउंड ब्लर भी हमें अच्छा लगा। इस फ़ोन में एक लाइव फोकस फीचर है जो बेसिकली पोर्ट्रेट मोड है, ये भी काफ़ी अच्छा चला हमारे लिए जब तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट्स और पेट्स शूट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इंसानों के फ़ोटो लेने शुरू किए इस मोड पर तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए। घर के अंदर हो या बाहर अच्छी लाइटिंग में हमने ये देखा कि इसका एज डिटेक्शन इतना अच्छा नहीं है अगर बैकग्राउंड ब्लर की बात करें तो। गैलेक्सी M40s के फोटोज़ लो लाइट में इतने अच्छे नहीं आए क्योंकि ऑटो फोकस काफ़ी स्लो हो गया था। अगर आपके फ़ोटो का ऑब्जेक्ट ज़्यादा मूव भी ना करे, एकदम ही स्थिर रहे, तो भी हमने ये देखा कि लो लाइट में फ़ोटोज़ जो लिए गए थे उसमें डिटेल्स लैकिंग थी और एजेस भी अच्छे से डिफाइन नहीं हुए थे। लैंडस्केप फ़ोटोज़ भी ज़्यादा अच्छे नहीं आए लो लाइट में, हमको लगा कि डिटेल्स थोड़े दब गए और जो फ़ोटोज़ में थोड़े अंधेरे वाले रीजन्स है वो ज़्यादा ग्रेनी हो गए। इसका 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा ठीक ठाक फोटोज़ ले लेता है, लेकिन शटर लैग का प्रॉब्लम हमने यहाँ पर भी नोटिस किया स्पेशली लो लाइट में। फ्रंट कैमरा के लिए पोर्ट्रेट मोड भी है और वो ठीक ठाक काम करता है। इस स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी 4K और 1080p पे बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें स्टेबलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका हाथ थोड़ा भी हिल गया तो फुटेज हिल जाती है और वीडियोज़ लेने में बहुत तकलीफ होती है। सुपर स्लो मोशन फुटेज बहुत ही बढ़िया दिखती है, लेकिन आप इसको छोटे छोटे बर्स्ट में ही कर सकते हैं, कंटिन्यूसली एनेबल नहीं कर सकते। बैटरी लाइफ सैमसंग गैलेक्सी M40 की खूबियों में से एक है। इसमें 3500 mAh की बैटरी है जो हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में 15 घंटे और 30 मिनट तक चली। रेगुलर यूज़ के साथ हमने देखा कि सैमसंग गैलेक्सी M40 आराम से पूरा दिन चल गया एक सिंगल चार्ज पर। इसकी चार्जिंग भी काफ़ी फास्ट है, हमने एक घंटे तक सैमसंग गैलेक्सी M40 को चार्ज किया और वो 86% चार्ज हो गया।
सैमसंग गैलेक्सी M40 में बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके कारण हमें ये काफी आकर्षक लगा अगर हम इसकी तुलना करें दूसरे A सीरीज और M सीरीज फोन्स के साथ। इस प्राइस सेगमेंट में काफी सारे फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी M40 ने पहली बार लाए हैं, जैसे कि स्क्रीन साउंड टेक्नोलॉजी वॉइस कॉल्स के लिए और होल पंच डिस्प्ले। इसके साथ में सैमसंग ने काफी रैम और स्टोरेज दिया है और एक पावरफुल प्रोसेसर भी दिया है। वैसे तो सैमसंग गैलेक्सी M40 काफी अच्छा स्मार्टफोन लग रहा है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर इसे बेचने के लिए सैमसंग ने कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं। वैसे तो सैमसंग गैलेक्सी M40 की LCD स्क्रीन की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और इसमें कलर्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन उसका जो विनेटिंग इशू है स्क्रीन के आसपास वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है। इस फ़ोन से लिए गए फोटोज़ भी हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगे और इसका ऑटो फोकस स्पीड भी बेहतर हो सकता था। सैमसंग गैलेक्सी M40 में दो तीन और छोटे मोटे इशूज़ हैं, जैसे कि मिसिंग हेडफोन जैक जो काफ़ी लोग को परेशान करेगा, फेस अनलॉक भी थोड़ा स्लो है जो इतनी बड़ी बात नहीं है लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है, और हाइब्रिड ड्यूअल सिम स्लॉट जिसका मतलब ये है कि आप दूसरा सिम कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड, इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ एक टाइम पे रख सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी M40 यूज़ करने के बाद मुझे ऐसे लगा कि सैमसंग ने सबको खुश करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जगह पर सैमसंग असफल रह गया इसमें। वैसे तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, सेगमेंट डिसरप्टर है, लेकिन ये इस सेगमेंट का लीडर हो सकता था जो वो अभी नहीं है। सैमसंग के M सीरीज़ में सबसे पॉलिश फ़ोन है फिर भी, और ये ओवरऑल एक सॉलिड परफॉर्मर है। तो अगर आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ख़राब एक्सपीरियंस मिलेगा, बट ये ऐसा भी नहीं कह सकता मैं कि ये 20,000 रुपये से कम में सबसे अच्छा फ़ोन है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको टेक्नोलॉजी की और जानकारी चाहिए तो gadgets.ndtv.com/hindi पर ज़रूर जाएं।